सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी। मेरा नाम गौतम लखानी है, मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे ज्योग्राफी कोर्स में, जिसमें फिलहाल हम कवर कर रहे हैं सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग। जो जीसी लियोंग का बुक है उसको फिलहाल हम कवर कर रहे हैं। आज के सेशन की बात करें, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे एटमोसफेयर की, इंसोलेशन की एंड हीट बजट की। सो दीज आर द टॉपिक्स जो कि हम आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग अप विद आवर टुडे सेशन, देयर इज एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। इन्फॉर्मेशन ये है कि अनअकैडमी लेकर के आया है यूपीएससी चैम्पियनशिप 2.0। इसमें क्या है कि फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज होगा, जो कि हर संडे को यहाँ पर कराया जाएगा हमारे अनअकैडमी ऐप के ऊपर, जो कि 30 अगस्त को हो चुका है पहला टेस्ट। दूसरा जो है 6 सितंबर को होगा, देन आफ्टर दैट 13 सितंबर, 20 सितंबर एंड 27 सितंबर। दीज आर द टेस्ट जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कराए जाएंगे। ओके, ऑल इंडिया लेवल पर ये होंगे और आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पर स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराई जाएगी अनअकैडमी की तरफ से। सो जाइए जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अपने आप को जो है एनरोल करिए और अपनी प्रिपरेशन को जो है बूस्टअप करिए। सो चलिए बात करते हैं आज के सेशन की, देखते हैं हम क्या क्या टॉपिक्स जो हैं आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में, क्या चीज़ है एटमॉस्फेयर उसको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से एटमॉस्फेयर का जो है कंपोजिशन है और स्ट्रक्चराइजेशन है, उस चीज़ को हम देखेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द इंसोलेशन, क्या चीज़ होता है इंसोलेशन उसके बारे में बात करेंगे। एंड एट द एंड वी विल डिस्कस अबाउट द हीट बजट। सो दीज आर सम टॉपिक्स जो कि हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन की तरफ चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में, क्या है एटमॉस्फेयर, इस चीज़ को हमारे लिए यहाँ पर समझना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए क्या है कि जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, वो एक बहुत ही ज़्यादा क्या है, यूनिक प्लैनेट है अपने आप में। यूनिक क्यों है? बिकॉज अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ फिलहाल हमारे सोलर सिस्टम के अंदर पॉसिबल है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ लाइफ जो है वो अर्थ के ऊपर हमें मिलती है देखने को, और उसमें मेन नेसेसरी कंडीशन क्या है, मुख्य चीज यहाँ पर क्या है, वो है एयर। अगर अर्थ के ऊपर एयर ना होती, ऑक्सीजन ना होता, कार्बन डाइऑक्साइड ना होता, तो इस वजह से जो है यहाँ पर लाइफ का होना जो है मुश्किल था, लाइफ ना हो पाती यहाँ पर, प्रेजेंस ऑफ लाइफ हमें यहाँ पर देखने को ना मिलती, ठीक है। अब एयर क्या चीज है, अब इस चीज को भी थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, काफी सारी गैसेस जो अर्थ के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेजेंट है उनके मिक्सचर को जो है बोला जाता है एयर यहाँ पर, ठीक है। और जो ये गैसेस या कहें अगर एयर, ये पूरे के पूरे जब अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह, एक चादर की तरह जो है ये पूरे के पूरे अर्थ को एनकम्पास कर लेती हैं, कवर कर लेती हैं हमारी सराउंडिंग को, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको एटमॉस्फेयर बोला जाता है यहाँ पर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एटमॉस्फेयर किसको बोला जा रहा है यहाँ पर। अब कौन कौन सी गैसेस हैं जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में मिलती हैं? देखिए जो गैसेस हैं दो तरीके की हैं, एक तो लाइफ गिविंग गैसेस और दूसरी नॉर्मल गैसेस। लाइफ गिविंग गैसेस की अगर हम बात करें तो जिसमें आ जाती है ऑक्सीजन, जो कि ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए क्या है, एक लाइफ गिविंग गैस है। अगर हम सब देखें ह्यूमंस के बारे में बात करें, एनिमल्स के बारे में बात करें, सो व्हाट वी डू रेस्पिरेट, हम ऑक्सीजन को जो है क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और एक्सहेल करते हैं हम किसे, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है किसके लिए यूजफुल है, वो प्लांट्स के लिए है, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद जो है वो ऑक्सीजन का एक्सहेलेशन करते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके में जो है क्या है, एक एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें अर्थ के आसपास जो है किस तरीके से, मतलब व्हाट इज द रीजन कि जो एटमॉस्फेयर है ये अर्थ के आसपास एक चादर की तरह, एक ब्लैंकेट की तरह जो है उसको कवर करके रखता है, एनवेलप की तरह, ऐसा क्यों है? गैसेस हैं, गैसेस तो उड़ जाती हैं, तो ये उड़ क्यों नहीं रही हैं? देखिए क्या है, इन सब में अपना एक मास होता है, ठीक है, और ये जो एनवेलप रहता है अर्थ के पास वो इस वजह से रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का ग्रेविटी है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो इसकी क्या करके रखता है, वो इसको बांध करके यहाँ पर रखता है, ठीक है। और इसी एटमॉस्फेयर की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि यही हेल्प आउट करता है, इसके अंदर एक
लेयर होती है ओजोन लेयर, जिसको हम अभी आगे चल करके पढ़ेंगे, यही एटमॉस्फेयर जो है क्या करता है, अर्थ जो सन की तरफ से अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, जो कि हमारी लाइफ के लिए, अर्थ के लिए, हम लोगों के लिए, क्रिएचर्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, उनको आने से भी यहाँ पर ये रोकता है। सो इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन स्टॉपिंग द अल्ट्रा वायलेंट रेज जो कि सन की तरफ से आ रही हैं। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर की हम बात करें तो 1600 किलोमीटर अर्थ के सरफेस की अगर हम बात करें, मान लीजिए इस तरीके से ये हमारा अर्थ का सरफेस हो गया, ठीक है, तो ये जो है ऊपर टॉप तक 1600 किलोमीटर तक जो है क्या है यहाँ पर एटमॉस्फेयर की हमें देखने को मिलता है। कुछ लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के अंदर जो कि इसका स्ट्रक्चराइजेशन करती हैं, जिनको हम अभी आगे चल करके जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए शुरुआत करें, अगर बात करें कि क्या मास की, अगर हम देखें थोड़ा सा यहाँ पर, सॉरी एक पॉइंट लास्ट में रह गए, मास की अगर हम बात करें तो जो गैसेस हैं उनका अगर 99% जो मास है उनकी अगर हम बात करें तो वो 32 किलोमीटर की हाइट की, मान लो अर्थ के सरफेस से 32 किलोमीटर की हाइट पर ही जाते हैं, तो उतने में ही जो है 99% ऑफ द गैसियस मासेस जो है वो वहीं पर हमें देखने को मिलता है, उससे ऊपर सिर्फ 1% का मास है एटमॉस्फेयर का। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन एटमॉस्फेयर के बारे में। जैसे कि हमने पढ़ा कि एटमॉस्फेयर के अंदर काफ़ी सारी गैसेस हैं, तो अब उसकी कंपोजिशन को भी यहाँ पर एक नज़र मार लेते हैं कि क्या किस तरीके से यहाँ पर कंपोजिशन हो रहा है। देखिए जो एटमॉस्फेयर है, जैसे कि हमने बताया कि डिफरेंट गैसेस से बनकर के बना है, वाटर वेपर्स हैं उसके अंदर, काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इसका कंपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा स्टैटिक नहीं है, जगह से हर जगह टू जगह और टाइम टू टाइम जो है वो क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है यहाँ पर कंपोजिशन। ठीक है, तो इट इज़ नॉट स्टैटिक, इट चेंजेस। ओके, अगर हम बात करें दो मेन गैसेस की, जो मुख्य गैसेस हैं दो, तो वो आ जाती हैं यहाँ पर नाइट्रोजन एक आ जाती है और दूसरी आ जाती है ऑक्सीजन। तो दीज आर द टू मेन गैसेस जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हमें मिलती हैं। अगर हम इनके परसेंटेज की बात करें तो ये दोनों मिलाकर के जो है 99% बना देती हैं, यानी कि सिर्फ नाइट्रोजन की मदद से और ऑक्सीजन की वजह से ही जो है क्या है 99% कंपोजिशन जो है वो इन्हीं दो गैसेस का है, और बचा हुआ 1% उसमें और गैसेस आ जाती हैं जैसे कि आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हेलियम, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो 1% बचा हुआ है, रिमेनिंग पार्ट है एटमॉस्फेयर का, वो इन्हीं 1% गैसेस की वजह से ही यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें इन गैसेस के पोर्शन के बारे में, ठीक है, तो जो पोर्शन है गैसेस का वो चेंज होता रहता है। हायर लेयर जो होती है एटमॉस्फेयर की, वहाँ पर जैसे अगर हम बात करें तो जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें या वाटर वेपर्स की हम बात करें, तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ 90 किलोमीटर की हाइट तक ही होते हैं। तो विद द हाइट ये जो गैसेस हैं ये क्या करती हैं, इनका रेशियो जो है क्या करता रहता है, इनका पोर्शन जो है क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है, वेरी करता रहता है यहाँ पर। अगर हम इन कंपोजिशन को थोड़ा सा फिगर्स के थ्रू से समझें तो देखिए जो नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस का 78.084% है हमारा परसेंट जो है इसका। ठीक है, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो 20.946%। ठीक है, आर्गन गैस की हम बात करें तो 0.934। कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें तो 0.036%, यानी कितना माइन्यूट सा, कितना बहुत ही मिनिमल सा जो है इसका रेशियो है। वहीं अगर हम नियान गैस की बात करें तो इसका है 0.00182%। इसी तरह की से हीलियम, क्रिप्टॉन और हाइड्रोजन, तो ये जो है परसेंटेज यहाँ पर कंपोजिशन जो है हमें यहाँ पर गैसेस का यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे कि कंपोजिशन के अलावा गैसेस के और क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर की हम बात करें, तो स्ट्रक्चर से पहले यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो UPSC है यहाँ पर जो है, अब सबको पता है कि बहुत ही कम समय रह गया 2021 के लिए, 27 डेज से भी कम का समय, सॉरी 27 जून 2021 जो है वो डेट आ गई है फॉर 2021, और 2022 के भी कुछ यहाँ पर एस्पिरेंट्स हैं। तो यहाँ पर अन अकेडमी लेकर के आया है कुछ बैचेस जो कि आपकी कंप्लीट UPSC CSE प्रिपरेशन में यहाँ पर हेल्प आउट करेंगे। बात करें हम 2021 की अगर, तो यहाँ पर 3 बैचेस जो है अन अकेडमी लेकर के आया है, जिसमें बायलैंगुअल GS बैच कोर्स, हिंदी GS बैच कोर्स एंड इंग्लिश GS बैच कोर्स हैं। दीज आर द बैचेस जो कि स्पेसिफिकली 2021 के लिए हैं। 7 सितंबर यानी कमिंग मंडे से शुरुआत हो रही है इन बैचेस की। फुल ईयर के बैच कोर्स रहेंगे, फुल सिलेबस कवरेज कराया जाएगा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा इसमें आपका, साथ साथ प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी विद एनालिसिस, PDF स्टडी मटेरियल मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे और इंटरव्यू तक की आपको इसमें प्रिपरेशन कराई जाएगी।
तो ये कुछ बैचेस हैं तीन जो कि आपकी 2021 के लिए हेल्प आउट करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। वहीं जिनका टारगेट 2022 का है उनके लिए 2 ईयर्स का बैच कोर्स अन अकेडमी लेकर के आ रहा है जो कि आज से यानी कि 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इसमें आपका 2 साल का समय लिया जाएगा, आपका फुल सिलेबस कवरेज कराया जाएगा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के टेस्ट सीरीज आपको कराई जाएंगी, पीडीएफ स्टडी मटेरियल दिया जाएगा और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे और इंटरव्यू तक की आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। सो दीज आर सम बैचेस जो कि आपकी प्रिपरेशन में 2021 और 2022 के लिए आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। वहीं अगर सब्सक्रिप्शन प्लान्स की बात करें तो अलग अलग मंथली ड्यूरेशन 12 मंथ से लेकर के 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन प्लान है। द बेस्ट थिंग इज कि यहाँ पर आपको नो कॉस्ट ईएमआई दैट इज इजी मंथली इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू योर सब्सक्रिप्शन प्लान यू कैन पे इन ईएमआईज आल्सो। 24 मंथ वाले कोर्स की बात करें जिसकी फीस है 64,000, तो जब आप यूज करेंगे हमारा रेफरल कोड रैंक 10 यहाँ आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और 6400 का आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि अब 64,000 वाला कोर्स आपको पड़ेगा 57,600 में और आपको यहाँ पर सेविंग हो गई है 6400 की। तो जाइए जाकर के अकेडमी को सब्सक्राइब करिए और एक्स्ट्रा 10% ऑफ के लिए मत भूलिएगा यूज करना हमारा रेफरल कोड रैंक 10। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की कि किस तरीके से जो एटमॉस्फेयर है उसका स्ट्रक्चराइजेशन करा गया है। देखिए जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स के अंदर जो है क्या है डिवाइडेड है, 5 लेयर्स हैं जिसमें एटमॉस्फेयर डिवाइडेड है। क्या क्या है वो लेयर्स? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर हम जिसको बोल सकते हैं, एंड एग्जोस्फेयर। दीज आर द 5 लेयर्स जिसमें हमारा एटमॉस्फेयर जो है डिवाइडेड है। सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रोपोस्फेयर की तो जो ट्रोपोस्फेयर है वो लोअर मोस्ट लेयर है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो हम अर्थ के सर्फेस से अगर ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो सबसे पहली जो लेयर आती है वो आती है ट्रोपोस्फेयर की। अगर मैं आपको फिगर के थ्रू समझाना चाहूँ, देखिए ये हो गया हमारा अर्थ का सर्फेस, तो जो पहली ये लेयर है ये कौन सी लेयर है, ये इतनी लेयर जो है ये है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर फिर यहाँ पर है कौन, स्ट्रेटोस्फेयर, इसी के कहीं बीच में है ओजोन, इसके ऊपर है मीजोस्फेयर, इनके बीच में है थर्मोस्फेयर और एट द टॉप यहाँ पर है एग्जोस्फेयर। तो ये 5 लेयर्स हैं अर्थ की जो अभी आपको यहाँ पर दिख रही हैं। अगर हम बात करें इन लेयर्स के बारे में तो सबसे पहले अगर ट्रोपोस्फेयर की बात करें यानी कि इस वाली लेयर की जो सबसे पहली लोअर मोस्ट लेयर है यहाँ पर उसके बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो अगर इक्वेटर्स पे हम बात करें तो कितनी आ जाएगी, 18 किलोमीटर हमें देखने को मिलेगी और पोल्स के ऊपर अगर हम बात करें तो 8 किलोमीटर देखने को मिलेगी। पहली चीज ऐसा क्यों है, देखिए 2 चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जो थिकनेस होती है ट्रोपोस्फेयर की वो इक्वेटर्स के ऊपर ग्रेट इसलिए होती है बिकॉज यहाँ पर क्या होती है, गर्मी ज्यादा होती है, हीट ज्यादा होती है, तो जो हवाएं चल रही होती हैं वो क्या कर देती हैं, इसे ऊपर की तरफ कन्वेक्शनल करंट्स जो हैं वो क्या कर देती हैं एटमॉस्फेयर को ऊपर की तरफ भेजती हैं जब हवाएं चल रही हैं, तो जिस वजह से क्या होता है इक्वेटर्स पे जो है क्या हो जाती है यहाँ पर हाइट जो है ज्यादा हो जाती है 18 किलोमीटर की हो जाती है। वहीं पोल्स की तरफ अगर हम बात करें तो एक तो पोल्स की सर्फेस की वजह से, ठीक है, दूसरा पोल्स के ऊपर जो है क्या है वहां पर इस तरीके से कन्वेक्शनल करंट हमें नहीं देखने को मिलते हैं तो हाइट वहां पर कम हो जाती है। दूसरी चीज की अगर हम बात करें जो ट्रोपोस्फेयर है उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर जो है काफी सारे डस्ट पार्टिकल्स और हमें वाटर वेपर्स देखने को मिलते हैं जिस वजह से ये क्या हो जाती है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर हो जाती है ट्रोपोस्फेयर, बिकॉज जितनी भी वेदर एक्टिविटीज हैं, वेदर चेंज हो रहा है वो सब इसी लेयर के अंदर ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें एनवायरमेंटल टेम्परेचर की इस लेयर के अंदर तो जैसे जैसे हाइट जो है यहाँ पर इंक्रीज होगी, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ को जाएंगे हाइट बढ़ती चली जाएगी आपकी, तो यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करेगा विद द हाइट, ठीक है। अगर डिक्रीज रेट की अगर हम बात करें तो 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 165 मीटर ऑफ हाइट, यानी कि आप जैसे जैसे 165 मीटर हाइट ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता जाएगा, गिरता चला जाएगा और इसी चीज को क्या बोला जाता है, नॉर्मल लैप्स रेट जो है इसको बोला जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, दिस इज सम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वहीं जो लेयर आ जाती है जो ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो यहाँ पर एक हमें देखने को मिलता है जोन देखने को मिलता है उसको बोला जाता है ट्रोपोपोज, उसको जो है यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेयर की, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। अब हम स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं, कौन सी है स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर, ये वाली लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर की, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रेटोस्फेयर की अगर हम बात करें तो ये ठीक ट्रोपोस्फेयर के ऊपर हमें देखने को यहाँ पर मिलती है और इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो 50 किलोमीटर जो है इसकी हाइट होती है, 50 किलोमीटर तक की हाइट पे ये देखने को मिलती है। ज़्यादातर जो टेम्परेचर है इस लेयर के अंदर वो क्या है, वो लो रहता है, कम ही रहता है,
ठीक है, अगर हम बात करें इसके टेम्परेचर की, जो एकदम इंक्रीज करता है टेम्परेचर, ठीक है, जो स्लोली इंक्रीज होता है टेम्परेचर के अंदर, वो किस वजह से हो रहा है? हाइट के साथ तो हो रहा है, इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओजोन गैस हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ओजोन गैस जो है क्या है, एक लेयर है यहाँ पर, एक ओजोन गैस करके O3 करके जो है एक हमें लेयर देखने को यहाँ पर मिलती है। इस तरीके से आप ये देख रहे होंगे जो व्हाइट वाली लेयर है, ये दिस व्हाइट लेयर, दिस इज नोन एज ओजोन लेयर। ठीक है, उसके अंदर क्या है, यहाँ पर जो ओजोन लेयर है ये हमें क्या करती है, हमारे को जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ रहे हैं उनको जो है यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेती है और उनको अर्थ पर आने से यहाँ पर ये रोकती है ये लेयर। ठीक है, अगर जो मेन फीचर है स्ट्रेटोस्फीयर का वो यही है कि इस लेयर के अंदर क्या है, ओजोन गैस हमें देखने को मिलती है। साथ साथ यहाँ पर क्या है, ये जो लेयर है ये एयरक्राफ्ट की फ्लाइंग के लिए, जो हमारे एयरप्लेन्स वगैरह हैं उनकी फ्लाइंग के लिए भी बहुत ज्यादा क्या है, आइडियल है ये। ठीक है, साथ साथ जो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो वेदर रिलेटेड चीजें हैं वो यहाँ पर नहीं होती, वो सिर्फ ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही देखने को मिलती हैं। तो ये था कुछ स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे तीसरी लेयर की, जिसको कहते हैं मेसोस्फेयर। जो मेसोस्फेयर है, इट इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। अगर यहाँ पे मैं आपको फिगर में दिखाऊं, सो ये दिस वन, दिस लेयर इज नोन एज द मेसोस्फेयर। ठीक है, इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो 80 किलोमीटर रखी इसकी हाइट है। वहीं पे अगर टेम्परेचर की बात करें तो जो टेम्परेचर यहाँ पर डिक्रीज करता है जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड, जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और जो यहाँ पे है 100 डिग्री सेल्सियस तक जो है टेम्परेचर पहुंच जाता है अगर हम 80 किलोमीटर की हाइट पे बात करें। साथ साथ जो यहाँ पर मिटियोर्स और जो फॉलिंग स्टार्स वगैरह, शूटिंग स्टार्स वगैरह देखने को मिलते हैं हमें, वो इसी लेयर के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो मीजोस्फेयर वाली लेयर है उसके अंदर की खास खास बात क्या है कि यहाँ पर हमें मेटियोर्स और फॉलिंग स्टार्स जो है देखने को मिलते हैं, एंड इट इज अ थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। वहीं अब हम फोर्थ लेयर की बात करें, जिसको हम बोलेंगे थर्मोस्फेयर, जिसका नाम है, या हम उसको जो है क्या बोलते हैं, आयनोस्फेयर भी बोलते हैं। इस लेयर के अंदर क्या है कि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, जिनको हम आयन्स बोलते हैं, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। हाइट की अगर हम बात करें इस लेयर की, तो ये 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक की हाइट है इसकी। और ये जो आयनोस्फेयर, इसको इसलिए बोला जाता है बिकॉज इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स, आयन्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। और इन्हीं आयन्स की वजह से क्या होता है कि जो अर्थ से रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होती हैं और रिफ्लेक्ट बैक होकर के आती हैं अर्थ के ऊपर, वो इन्हीं आयन्स की वजह से आती हैं, और जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हमें देखने को मिलती है वो इन्हीं की वजह से पॉसिबल है। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर की बात करें यहाँ पर, तो टेम्परेचर जो है हाइट के साथ इंक्रीज करता है इस लेयर के अंदर। देखिए ये जो टॉप मोस्ट लेयर है यहाँ पर, ठीक है, यहीं पे देखो सैटेलाइट्स वगैरह जो है ज़्यादातर इसी लेयर के अंदर छोड़े जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमें आयन्स मिलते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, आयन्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे फिफ्थ लेयर की, दिट इज नोन एंड एक्सोस्फीयर, जो कि है अपर मोस्ट लेयर, यानी इसके ऊपर कोई लेयर नहीं है, इट इज अपर मोस्ट लेयर। यहाँ पर गैसेस जो है बहुत ही ज़्यादा स्पार्स होती हैं, बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम है जब यहाँ पर गैसेस कम है, तो यहाँ पर जो एयर है उसकी डेंसिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सो दीज आर द 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। अगर अब तक के हम सेशन की बात करें, तो अब तक हमने डिस्कस करा सबसे पहले एटमॉस्फेयर के बारे में, थोड़ा सा हमने जानकारी ली एटमॉस्फेयर के बाद हमने डिस्कस करा कंपोजिशन का, कि कौन कौन सी गैसेस जो है एटमॉस्फेयर के अंदर हमें देखने को मिलती हैं, और फिर उस कंपोजिशन के बाद हमने एट द एंड डिस्कस करा किस बारे में, कि क्या लेयर्स हैं, स्ट्रक्चराइजेशन किस हिसाब से कर रखा है एटमॉस्फेयर का, जिसमें हमने जो है 5 लेयर्स के बारे में बात करी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एंड ऊपर हमने बात करा एक्सोस्फेयर के बारे में। ठीक है, तो अब तक के सेशन में हमने ये चीज़ें कवर कर ली हैं। तो यहाँ तक किसी का एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, उसके कंपोजिशन से रिलेटेड, उसके स्ट्रक्चराइजेशन से रिलेटेड किसी का कोई डाउट है, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम आगे चल करके बात करेंगे इंसुलेशन के बारे में और हीट बजट के बारे में। तो इंसुलेशन और हीट बजट को हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। मीनवाइल यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। देखिए, आप सबको पता है कि जो करंट अफेयर्स हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है हमारे UPSC प्रीलिम्स में आता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स से आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप करंट अफेयर्स के लिए पढ़ाई भी कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, बट स्टिल इट हैपन्स कि आप नहीं सॉल्व कर पाते क्वेश्चन, तो यहाँ पर लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। तो यहाँ पर क्या है, अनअकैडमी अपने ऐप के ऊपर, जो हमारा अनअकैडमी का ऐप है, उसके ऊपर डेली 7:30 बजे 20 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से होंगे। 20 मिनट का समय दिया जाएगा, 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और लाइव टेस्ट एनालिसिस इनका कराया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है उसकी आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगी। एंड द बेस्ट थिंग, इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना अमाउंट की, टेस्ट सीरीज है तो पे करना पड़ेगा, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाकर के हमारे अनअकैडमी ऐप के ऊपर एनरोल कर सकते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वहीं अनअकैडमी ऐप के अलावा आप हमारे साथ यूट्यूब चैनल अनअकैडमी आर्टिकुलेट, UPSC करंट अफेयर्स,
अन अकेडमी एक्सपेडिशन CSE, अन अकेडमी लक्ष्य, इनके ऊपर जुड़ सकते हैं YouTube पर, साथ साथ टेलीग्राम अन अकेडमी आर्टिकुलेट और फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इंसोलेशन के बारे में। क्या है इंसोलेशन, अब इस चीज को यहाँ पर हम समझेंगे। देखिए क्या है कि हम सबको पता है कि जो हमारा अर्थ है इसके ऊपर जो हमारे पास एनर्जी का सोर्स है वो क्या है, सनलाइट। जो सन सूर्य से रोशनी आ रही है, इट इज आवर सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। एंड सन इज द प्राइमरी सोर्स, सन के अलावा तो हमारे पास कहीं से रोशनी नहीं आ रही ना, कहीं से सनलाइट नहीं आ रही ना, सो सन इज द प्राइमरी सोर्स जहां से हमारे पास एनर्जी आ रही है। ये अलग अलग वेवलेंथ्स में जो है एनर्जी हमारे पास आती है और इनको क्या बोला जाता है, सोलर रेडिएशंस जो है इनको बोला जाता है, सूर्य की किरणें इनको यहाँ पर बोला जाता है। जो अर्थ का सरफेस है अगर हम उसकी बात करें तो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो एनर्जी रेडिएट करती है वो कितनी है, 2 यूनिट है। मान लीजिए अगर सन जो है वो लगभग अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो सन है वो लगभग 100 करोड़ यूनिट जो है लाइट एनर्जी की जो रेडिएट कर रहा है, तो 100 करोड़ यूनिट में से अर्थ के ऊपर कितनी आ रही है, सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट आ रही है। अर्थ जो है सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट रेडिएट कर रही है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा एनर्जी जो है वो सन के पास है यहाँ पर, ठीक है। और जो ये एनर्जी हम रिसीव करते हैं, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इंसोलेशन बोला जाता है, ठीक है। जो एनर्जी सन की तरफ से आ रही है हमारे पास उसको क्या बोला जा रहा है, इंसोलेशन बोला जा रहा है। अब क्या है इंसोलेशन, इस चीज को यहाँ पर समझिए। देखिए जो इंसोलेशन है इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिसीव्ड, ठीक है। अब क्या है अर्थ के ऊपर क्या है कि कम इसलिए आ रही है, अब आप पूछ सकते हैं सर जब सन जो है 10 करोड़ यूनिट यहाँ पर दे रहा है एनर्जी की तो अर्थ पे 2 ही क्यों आ रही है। देखिए पहली चीज तो ये कि अर्थ का एक तो साइज छोटा सन के मुकाबले, दूसरी चीज क्या है कि इतना दूर है, ठीक है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर जो है आते आते जो है 2 यूनिट बच जाती हैं। उसके बाद क्या है, बीच में जब वो आ रही है हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वाटर वेपर्स हैं जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, ओजोन लेयर है जो कि एब्जॉर्ब कर लेती है उस एनर्जी को, और काफी सारी और गैसेज हैं, ठीक है। तो जिस वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है कि काफी ज्यादा अमाउंट जो है सोलर रेडिएशन का वो एब्जॉर्ब हो जाता है और अर्थ तक आते आते, सरफेस तक आते आते सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट ही यहाँ पर ये बचता है, ठीक है। तो जो ये सोलर रेडिएशन रिसीव करती है अर्थ, ये जो है वेरी करती है, ये नहीं कि हर दिन एक जैसे सोलर रेडिएशन जो है अर्थ वेरी करेगी, ऐसा क्यों, अब इस चीज को भी यहाँ पे आप समझिए। देखिए क्या है कि जो अर्थ और सन है क्या कर रही है, अर्थ सन के आसपास रिवॉल्व अराउंड कर रही है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, पूरा चक्कर लगा करके आती है। तो अर्थ जो है ऐसे 2 पोजीशन में आ जाती है, एक तो जब वो बहुत दूर होती है सन से, यानी डिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा होता है, और एक ऐसी पोजीशन आती है जब वो बिल्कुल पास आ जाती है। तो इन 2 पोजीशन की अगर हम बात करें तो जब अर्थ जो है बहुत दूर होती है, फार्देस्ट होती है सन से, उस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, एफिलियन उसको बोला जाता है, और ये 4 जुलाई पे होता है। और वहीं जब अर्थ जो है नियरेस्ट होती है सन के तो उस सिचुएशन को, उस पोजीशन को जो है बोला जाता है पेरिहेलियन, और ये होती है 3 जनवरी को। जिस वजह से इन दोनों दिन में इंसोलेशन यानी कि जो सोलर रेडिएशन का अमाउंट अर्थ पे आ रहा है वो भी यहाँ पर वेरी करता है। अब कैसे करते हैं इस चीज को समझिए आप। देखिए ये सन हो गया हमारा, ये अर्थ हो गई हमारी, ठीक है। अब अर्थ जो है यहाँ से मान लो चली थी, इस पोजीशन से चली थी, अपना रिवॉल्यूशन पूरा कर रही है, चक्कर पूरा कर रही है, जिसमें इसको 365 दिन लगते हैं। तो जब अर्थ इस पोजीशन पर पहुंची 4 जुलाई को, आप देखो कितना ज्यादा, कितना लॉन्ग डिस्टेंस है इनके बीच में, इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस हियर यहाँ पर, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस है। और वहीं जब अर्थ यहां पर पहुंची, इस घूमते घूमते इधर ऐसे घूमते हुए यहां पर पहुंची, इस एरिया पर यहां पर आगे पहुंची, इस पोजीशन पे यहां पर कितना शॉर्ट डिस्टेंस है यहां पर इनके बीच में, और ये कब है, इस पोजीशन को बोला जा रहा है पेरिहेलियन यहां पर। तो अब जब कोई मान लो ये लाइट है, ठीक है, ये लाइट मैं यहां से दे रहा हूं और ये एक ऑब्जेक्ट है दूर रखा हुआ है, इस पर कितना कम पड़ेगा, ठीक है। अगर आप मान लो गैस जलाओगे, ठीक है, गैस जब आप जलाओगे तो क्या होता है, गैस जलाने से कि यहां पर हीट जो है, अगर आपका हाथ ज्यादा पास होता है तो ज्यादा आपके पास हीट आती है, और अगर आपका हाथ दूर होता है तो आपके पास कम हीट आती है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर भी हो रही है, जो सोलर रेडिएशन है जब अर्थ दूर है तो वो जो है कम है, जब पास है तो वो ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर वेरी करती है। और क्या फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इंसोलेशन को, अब उनके बारे में भी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखिए जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन अर्थ यहाँ पर रिसीव कर रही है
वो क्या है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया वेरी करता है जगह से जगह पर, टाइम टू टाइम वो वेरी कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रॉपिकल रीजन्स की, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन्स हमारे कौन से हो गए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, तो यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा जो इंसुलेशन है वो यहीं पर आता है, क्योंकि जो सोलर रेज हैं, सन की रेज हैं, वो यहाँ पर ज्यादा डायरेक्टली पड़ती हैं कंपेयर टू पोल्स। वहीं हम पोल्स की बात करें, पोल्स के ऊपर वो डिक्रीज हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि वो क्या है, वहां पर स्लैंटिंग वे में जा रही हैं, बहुत ज्यादा स्लैंट रेज जो है वहां पर पड़ रही हैं, ठीक है। तो ये जो रेज हैं यहाँ पर, ये फर्क करती हैं। इसके अलावा सीजन्स का भी फर्क आता है, जब समर्स होते हैं ज्यादा इंसुलेशन होती है, ज्यादा धूप निकलती है, विंटर्स होते हैं तो कम होती है, आप सबको पता है ये चीज। तो यहाँ पर कुछ चार मेजर फैक्टर हैं जो कि इस चीज को डिटरमिन करते हैं, अमाउंट ऑफ इंसुलेशन को यहाँ पर इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला आ जाएगा यहाँ पर रोटेशन। देखिए क्या है, जो अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है वो कैसी है, टिल्ट है, 66 डिग्री के अंदर वो जो है क्या है, यहाँ पर टिल्ट है। तो ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है, 66 डिग्री का है, 66.5, ठीक है। यहाँ पर हमारा सन है, अब क्या है, इससे रेज जो जा रही है सन की, जिन एरियाज में, जो ये ट्रॉपिक वाले एरियाज में जाती हैं, यहाँ पर क्या होती हैं कि यहाँ पर ज्यादा पड़ती हैं, ठीक है, जिस वजह से इस एरियाज के ऊपर क्या है, ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। जिधर को भी अर्थ ज्यादा मुड़ी होगी, ज्यादा जहां पर इंक्लाइंड होगी, वहां पर क्या होगा, ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ेगा, ज्यादा इंसोलेशन होगा, ज्यादा सोलर रेडिएशन जाएंगे। वहीं दूसरी चीज यहाँ पर क्या, दूसरा फैक्टर क्या आ जाता है कि जो नीचे वाला एरिया है ये, यहाँ पर कम जाएंगी। तो इस तरीके से ये जगह से जगह और टाइम टू टाइम वेरी करती हैं, ठीक है। वहीं अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की हम बात करें, यहाँ पर जो भी सन रेज का एंगल पड़ रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये सन हो गया, ये अर्थ हो गई हमारी, अब जो है इक्वेटर है उस पर तो वर्टिकल रेज पड़ रही है, वहीं जो पोल्स हैं उस पर स्लैंट पड़ रही हैं, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रेज का बन रहा है वो भी यहाँ पर फर्क डालता है। जिधर डायरेक्ट पड़ेगी वहां पर ज्यादा इफेक्ट करेगा, जहां स्लैंट होके जा रही है वहां पर कम इफेक्ट पड़ेगा। तो ये चीज, तीसरी चीज यहाँ पर क्या हो जाएगी, ड्यूरेशन ऑफ डे। अगर दिन ज्यादा लंबा है, धूप ज्यादा निकल रही है, जैसे समर्स में होता है, तो इंसुलेशन ज्यादा आएगी। वहीं धूप कम निकल रही है, सूर्य कम निकल रहा है, तो उस टाइम पर क्या होगा, इंसुलेशन कम होगी। तो ये चीज, तीसरी चीज यहाँ पर क्या है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमोसफेयर। अब इस चीज को यहाँ पे आप समझिए फिगर के थ्रू, सन की रेज आ रही है, ये इंसुलेशन कर रहा है सन यहाँ पे, ठीक है, धूप निकली हुई है इस तरीके से। अब क्या है, कुछ तो सर्फेस ने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है, कुछ क्या हो गई, मान लो जो क्लाउड्स वगैरह हैं, अगर क्लाउडी वेदर है ज्यादा, एटमॉस्फेयर है तो खराब एटमॉस्फेयर है, ज्यादा क्लाउडी हो रहा है, तो चीजें क्या है, जो क्या है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगी। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर किस टाइप का है उस टाइम पर, वेदर किस टाइप से हो रहा है, ये भी बहुत ज्यादा डिटरमिन यहाँ पर करता है इंसुलेशन के बारे में। तो ये था कुछ इंसुलेशन के बारे में। अब हम आगे चल करके बात करेंगे हीट बजट की, कि क्या है हीट बजट। अब इस चीज को भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या है कि जो अर्थ है, जो भी उसके पास हीट आ रही है, वो पूरी की पूरी एक्यूमुलेट नहीं कर लेती, पूरी की पूरी हीट को एक्यूमुलेट नहीं करती है, क्योंकि अर्थ के पास अपना एक टेम्परेचर होता है जो कि अर्थ को मेंटेन करके चलना पड़ता है। और वो टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है, अब आप इस चीज को समझिए। जो बैलेंस बनता है इंसोलेशन के बीच में, यानी कि जो अर्थ सर्फेस जो है एब्जॉर्ब कर रहे हैं रेज को, और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, यानी कि जो वापस चली जाती है टकरा करके सनलाइट, इन दोनों के बीच का जो बैलेंस बनता है, ठीक है, जिस वजह से अर्थ जो है ना ज्यादा गर्म हो जाती है ना ज्यादा ठंडी होती है, एक बैलेंस मेंटेन, एक टेम्परेचर मेंटेन करके अर्थ जो रखती है, वो किस वजह से हो रहा है, उस चीज को क्या बोला जा रहा है, उसको बोला जाता है हीट बजट। क्या बोला जाता है उसको, हीट बजट जो है उसको बोला जाता है यहाँ पर, ठीक है। द बैलेंस विच अर्थ मेंटेन्स बिटवीन द इंसोलेशन, ठीक है, एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, उसके बीच के बैलेंस को जो है क्या बोला जाता है, हीट बजट यहाँ पर बोला जाता है। पहला जो यहाँ पर पॉइंट आ जाता है, एक वर्ड आता है, टर्म आता है एल्बिडो का। क्या है एल्बिडो, इस चीज को समझिए। देखिए जो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि अर्थ जो है रिफ्लेक्ट कर गया अर्थ से बिना एब्जॉर्ब हुए, उस अमाउंट को जो रिफ्लेक्ट कर गया वापस चला गया, उसको क्या बोला जाता है, एल्बिडो यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये जो है 100 के इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है वो 100% है, ठीक है, 23% जो है क्या हो गई, वो एयर ने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है, 7% जो है वो यहाँ से स्पेस से स्कैटर्ड कर गई, 17% जो है वो क्या कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई क्लाउड से, और जो 6% है बची हुई वो कहाँ से कर गई, सरफेस के ऊपर से रिफ्लेक्ट कर गई। तो ये जो रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड पोर्शन है, इसको क्या बोला जाएगा, अल्बिडो बोला जाएगा इसको बोला जाएगा अल्बिडो, जो कि अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक कर गया, वापस चला गया,
उसको बोला जाएगा अल्बिडो यहाँ पर, और जो अर्थ ने यहाँ पर एब्जॉर्ब करी उसको वो कितनी परसेंट है, सिर्फ और सिर्फ 47%। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर क्या बोला जाता है, जो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है उसको बोला जाता है एल्बिडो। ओके, ये चीज आपको टर्म जो है यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। अब जो एल्बिडो है वो भी क्या करता है, यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट होता है, डिफरेंट सर्फेसिस पर डिफरेंट होता है। मान लीजिए किसी एरिया में गीली मिट्टी है, ठीक है, अर्थ का सर्फेस है वहां पर गीली मिट्टी है, जब मिट्टी गीली है तो वो क्या होगा, वो ज्यादा सनरेज एब्जॉर्ब करेगी, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेगी, वहां पर क्या होगा, एल्बिडो कम होगा। ठीक है, वहीं जो मिट्टी सूखी है, मान लीजिए सूखा मिट्टी है, वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक ज्यादा करेगी, वहां पर एब्जॉर्ब कम होगी हीट, तो वहां पर एल्बिडो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अलग अलग सर्फेसिस के ऊपर क्या होता है, हमें अलग अलग एल्बिडोज जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें अर्बन सिटीज की, ठीक है, जो हमारे शहर होते हैं, आप वहां पर देखिए वहां पर क्या होता है कि टेम्परेचर जो है ज्यादा होता है, वहीं आप अगर गांव देहात में चले जाएं या सब अर्बन एरियाज में चले जाएं, वहां पे थोड़ा सा ठंडक देखने को मिलती है। तो ये किस वजह से हो रहा है, ये हीट की वजह से हो रहा है, हीट बजट की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो अर्बन सिटीज हैं वहां से जो है रिफ्लेक्शन जो है कम हो रहा है, ठीक है, एल्बिडो वहां पर कम है, ठीक है, तो हीट जो है ज्यादा एब्जॉर्ब करी जा रही है, इंसुलेशन जो है वहां पर ज्यादा है। वहीं जो रूरल एरियाज हैं वहां पर क्या है, ग्रासेस हैं और बड़े बड़े मैदान हैं, तो जिस वजह से क्या हो जाता है कि हीट रिफ्लेक्ट बैक ज्यादा कर जाती है, और इसी इफेक्ट को जो है यहाँ पर क्या बोला जाता है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जो है इसको बोला जाता है यहाँ पर। ठीक है, सो ये था कुछ आज के सेशन के बारे में। अगर हम आज के सेशन को डिस्कस करें ब्रीफ में, यहाँ पर खत्म करें थोड़ा सा, तो हमने जो टॉपिक्स आज के सेशन में डिस्कस करे, सबसे पहले हमने बात करी एटमॉस्फेयर के बारे में, फिर उसके बाद हमने एटमॉस्फेयर को समझा थोड़ा सा, उसके कंपोजिशन को देखा कि किस तरीके से जो एटमॉस्फेयर है वो कंपोज्ड है, कौन कौन सी गैसेज हैं उसके अंदर। हमने देखा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की वजह से ही सिर्फ और सिर्फ 99% जो है यही दो गैसेज हैं, बाकी 1% में जो गैसेज हैं वो हैं आर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। ठीक है, वो देखा हमने। उसके बाद हमने देखा स्ट्रक्चराइजेशन कैसे हो रहा है, पांच जो लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, जिसमें हमने ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर जिसको कहते हैं एक्सोस्फेयर, इनके बारे में बात करी। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंसुलेशन, कि इंसुलेशन क्या है, जो अर्थ के पास सोलर रेडिएशंस आ रहे हैं उसको बोला जाता है इंसुलेशन, हमने उसको देखा। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि क्या हीट बजट है अर्थ के ऊपर, क्या है कि जो भी अमाउंट ऑफ हीट आ रहा है अर्थ पूरा का पूरा उसको नहीं एब्जॉर्ब कर लेती, एक्यूमुलेट नहीं कर लेती, क्योंकि अर्थ को क्या अपना एक टेम्परेचर बना करके चलना होता है। तो जो अर्थ ये बैलेंस करती है इंसुलेशन के बीच में और रिफ्लेक्शन के बीच में, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बीच में, उसको क्या बोला जाता है, हीट बजट उसको बोला जाता है। फिर हमने उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस यहाँ पर करा। तो आज के सेशन में हमने ये सब टॉपिक्स जो है डिस्कस करे हैं। किसी का कोई भी डाउट हो एटमॉस्फेयर से या इंसुलेशन से या हीट बजट से, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज का सेशन यहाँ पर खत्म हो रहा है। मीनवाइल एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि काफी सारे बेनिफिट्स जो हैं आपको अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने से मिलेंगे। क्या बेनिफिट्स हैं वो ये देख लीजिए। पहला बेनिफिट तो यह है कि आप घर बैठे सेफ एनवायरमेंट के अंदर पढ़ाई कर सकते हैं, आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है चलती रहेगी, रुकावट नहीं आएगी उसमें। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सारे के सारे कोर्सेज को, जिससे आपकी हॉलिस्टिक प्रिपरेशन होगी, और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो है आपका सिलेबस कवरेज यहाँ पर कराएंगे, साथ साथ रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होंगी, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, आंसर राइटिंग सेशंस होंगे आपके, और आपको मेंटोरशिप और गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाएगी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स एंड एक्सेल सर्वेंट्स द्वारा। इन्हीं सब बेनिफिट्स की वजह से जो है अनअकैडमी को कहा गया है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन। सो जाइए जाकर के अनअकैडमी को सब्सक्राइब करिए, और अब एक्स्ट्रा 10% ऑफ के लिए मत भूलिएगा यूज करना हमारा रेफरल कोड, दैट इज रैंक 10। जब आप हमारा रेफरल कोड रैंक 10 यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। सो जाइए जाकर के अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करिए, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन करिए। और अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें कि आपको कैसा लगा। आज के सेशन में हमने डिस्कस करा एटमॉस्फेयर के बारे में, कंपोजिशन, स्ट्रक्चराइजेशन उसको देखा, उसके बाद हमने डिस्कस करा यहाँ पर इंसुलेशन के बारे में और हीट बजट के बारे में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टूडे सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। कल के सेशन में हम चैप्टर नंबर 14 आगे उसको कंप्लीट करेंगे। सो गुड बाय, टेक केयर, गुड लक।